हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा यह ज्योग्राफी का पार्ट 10th बनने जा रहा है और पार्ट 10th में हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? सबसे पहले हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। तो बबुआ ये बताइए लोग कि पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एक उपग्रह। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। अब आप लोग को समझ में आ गया कि हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह है? एक उपग्रह है और वो क्या है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है, यानी कि चंद्रमा का जो डायमीटर है, यानी चंद्रमा का जो व्यास है कितना है? पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई। व्यास समझते हैं, डायमीटर, व्यास। रुकिए, को यहाँ बनाते हैं, ये देखिए गोल गोल बना दिए ना, हैं, हाई हो गया सेंटर, आई सेंटर से इधर आएगा तो रेडियस हो जाएगा और इधर ई मिला दीजिए बी रेडियस, मतलब दो को रेडियस मिले क्या बना रहता है? डायमीटर। फाइनली एक और हम आपको एग्जांपल यहाँ दिखा रहे, ये देखिए गोल हो गया और ये बी से लाइन खींच दिए, तो ये जो अभी लाइन खींचे ये वाला, ये यही व्यास है। ये क्या है? व्यास है। और इस व्यास को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। कंफर्म? अब आपको समझ में आ गया कि व्यास किसको कह रहे हैं ये। अच्छा, यह हमारे ग्रह के, एक मिनट, बहुत हो गया। तो हमारे ग्रह से अब देखिए एक चौथाई है, क्या कहता है कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। देखिए, दिखने में बड़ा लगता है, चंद्रमा दिखने में लगता है, तो ये मत समझिए ये सबसे बड़ा है। बड़ा होने के पीछे यही एक चीज़ लगता है नज़दीक, मतलब बड़ा होने का कारण यही दिखता है कि ये आपके नज़दीक है, हमारे पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण यह बड़ा दिखता है। कहता है ना कि क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, मतलब इसलिए लगता है कि भाई सबसे बड़ा ये है, मतलब इतना बड़ा है, तो इसका कारण यही है। कारण जानिए, कारण यही है कि यह हमारे पृथ्वी के नज़दीक है। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बताइए, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से जो चंद्रमा है, मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होगा चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो कितना है? 384,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 384,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 384,400 किलोमीटर। याद हो गया आप लोग के माइंड में, एकदम परफेक्ट सेट भी हो गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 384,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां, दूरियों का तुलना कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि भाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, चंद्रमा की दूरी कितना है, ये सब हम लोग जान सकते हैं। यहाँ देखिए एक चीज समझना है, उपग्रह, भाई हमने तो बोल दिया कि ये उपग्रह है, लेकिन उपग्रह है तो समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट, यहाँ फैक्ट दिया हुआ है। उपग्रह किसे कहते हैं भाई? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो उपग्रह है वह उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है और ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो हमारे सौरमंडल में सूर्य जी हैं केंद्र पर मालिक बन के बैठे, उनके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे कि मंगल हो गए, शुक्र हो गए, तो ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे ये चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये उपग्रह में आ जाएंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात यहां जानने वाली ये है, मानव निर्मित उपग्रह, मतलब कुछ ऐसे भी उपग्रह है जो कि मानव निर्मित है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है, क्या है? आर्टिफिशियल पिंड है,
मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, मतलब आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स है, या वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है? तो मानव निर्मित जो उपग्रह है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? वैज्ञानिक के द्वारा, याद रहेगा। तो मानव निर्मित उपग्रह कैसे बनता है भाई? तो वैज्ञानिक उसको बनाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जैसे मौसम में क्या है, आज बरखा होगा कि नहीं होगा, बारिश होगा कि नहीं होगा, घटमेर होगा कि नहीं होगा, मतलब हंसाने के लिए बोल रहे हैं, हंसिए और इंजॉय करके पढ़िए। तो कहता है कि मानव निर्मित उपग्रह जो है एक तरह से कृत्रिम उपग्रह है और यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। मानव निर्मित का उपयोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है? ब्रह्मांड के बारे में। अच्छा, और पृथ्वी संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो मानव निर्मित उपग्रह तो बन गया, लेकिन इसको अंतरिक्ष में कोई आदमी ले जाकर छोड़ता है? कोई आदमी ऐसा तो नहीं ना कि मानव निर्मित उपग्रह बन गया, झोरा मिले नहीं है, झोरा मिले जाके वहां छोड़ देना। तो मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो अब आपसे फिर से मैं पूछता हूं, बताइए कि मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में कौन लेकर जाता है? बबुआ? ना बबुआ नहीं, उसको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजता है। तो मानव निर्मित के उपग्रह कैसे जाते हैं अंतरिक्ष में? तो रॉकेट के द्वारा जाते हैं एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया, जो पृथ्वी का ऑर्बिट है उसके कक्षा में उसको क्या कहते हैं? स्थापित कर दिया जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, क्या है? इनसेट आईआरएस और एडुसेट, ये हमारा। तो हमने ये समझ लिया चंद्रमा के बारे में, ये जो फैक्ट दिया था इसे भी समझ लिया। इनसेट आईआरएस और एडुसेट ये क्या है? एक तरह से अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, इनसेट आईआरएस और एडुसेट। कोई पूछ देगा कि भाई आप ये बताइए, ये जो आपने नाम लिया इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, आप तो बताएं कि मानव निर्मित उपग्रह जिसको साइंटिस्ट बनाते हैं, जिसको वैज्ञानिक बनाते हैं, यह कृत्रिम पिंड है। अच्छा, ये आपने ये भी बताया कि भाई इसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो अंतरिक्ष में कैसे जाता है? तो रॉकेट के द्वारा, इसको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो इनसेट भारतीय उपग्रह है, आईआरएस भारतीय उपग्रह है, एडुसेट भारतीय उपग्रह, ये तीन भारतीय उपग्रह यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, इनसेट आईआरएस और एडुसेट। यहाँ तक तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया एनसीईआरटी का। अगला पेज पे आ गए, चंद्रमा पृथ्वी। देखिए यहाँ पे हम हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, मतलब ये पृथ्वी हो गए, पृथ्वी इसके ऊपर जो चंद्रमा जो घूमते हैं यहाँ से, मतलब ये चक्कर जो है ऐसे 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 चक्कर पूरा करने में, तो एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिनों में करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिन में करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, मतलब कि जो चंद्रमा है अपने अक्ष पर एक चक्कर 27 दिन में करता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर 27 दिन में करता है। अच्छा, अपने अक्ष पर एक चक्कर 27 दिन में करता है, और पृथ्वी का चारों ओर जो चक्कर लगाना है पृथ्वी के चारों ओर, वो भी 27 दिन में कर लेता है। समझ लीजिए, जैसे कि ये पृथ्वी हो गया और ये हो गया, मतलब यहाँ पे चंद्रमा है, अब इसका चक्कर लगाना है, तो चक्कर लगाना है तो इससे ऐसे ऐसे ये अपने अक्ष पर नाच रहे हैं। अच्छा, एकदम जल्दी जल्दी नचाते रहे, लेकिन वो जल्दी जल्दी नहीं नाचते, तो ये अपने अक्ष पर जो चक्कर है वो 27 दिन में पूरा करते हैं एक चक्कर। अच्छा, और पृथ्वी के जो चारों ओर का जो चक्कर है वो कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? वो भी कंप्लीट कर लेते हैं 27 दिन में। यानी पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाते हैं और अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाते हैं वो भी 27 दिन में, इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल कितना भाग दिखाई देता है? एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब कहने का ये है कि चंद्रमा की जो परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसकी सतह पर पर्वत, इस मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं।
मतलब कि चंद्रमा, चंद्रमा पर क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। मतलब कि जो भाई चंद्रमा पर जो छाया बना हुआ है उसको हम कब देख सकते हैं, तो पूर्णिमा को, पूर्णिमा के दिन हम देख सकते हैं। चंद्रमा पर जो भी छाया बना है वो किस दिन देखा जाता है, तो पूर्णिमा के दिन देखा जाता है। देखिए अब ये कॉल भी आ गया, कॉल थोड़ा अटेंड कर लेते हैं, आज हम इतने पे स्टॉप करते हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा शुद्र ग्रह, उल्का पिंड और भी नेक्स्ट होगा, और मे भी मैं अगले वीडियो में पूरा फिनिश कर दूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय, गुड बाय।